आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर श्रीनगर से। आज श्रीनगर में बिजली कर्मचारी संघ और कैजुअल मजदूरों द्वारा पीडीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें इनकी मांग थी कि इन्हें नियमित किया जाए और पिछले 6 सालों से बकाया इनका वेतन दिया जाए। आइए सुनते हैं। इसलिए करें कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए हमेशा काला कानून निकाले कि हम दिन रात ड्यूटी देते हैं। हमारे जितने भी डेली आज तक आपकी वसत से हम ये कहते हैं कि आपने अब तक भी सुना होगा जो भी इस वक्त मार्केट में कोई पावर में लगता है किसी हाथ से वो तो डेलीवेज होता है, मगर आज तक भी हमारे लिए ना कोई पॉलिसी बनी है ना हमारे लिए कोई रेगुलेशन का कोई ऑर्डर बनी। आज गवर्नमेंट ने एक और काला कानून निकाला है 520 जिसमें हमारी डेलीवेज की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई चीज वो सिर्फ एक काला कानून ही बस हमारे लिए बस हमारे पेट पर छुरा मारने के बराबर है, हमारे आयाल पर भी छुरा मारने के बराबर है। इसलिए हमारे जो इस वक्त हमारी पीडीडी में 381 का जो असार हुए उसी के तहत हमारी डेलीवेज को रेगुलर किया जाए और हमारी जो जितने भी नीड बेस है उनकी तनख्वाह ऑफर किया जाए। वो दिन रात ड्यूटी देते हैं, कम से कम 6-6.5 साल से हमारी तनख्वाह इस वक्त बंद है और ड्यूटी दे रहे हैं, कभी कभी बीच बीच में एक एक महीना या आधा महीना छोड़ते हैं और बाकी अपनी जेबों में भरते हैं और हमारे जो शटडाउन होते हैं वो हमसे लेते हैं और जो पोल लगाते हैं हमसे लेते हैं, उसकी जो पैसे निकलते हैं वो अपनी जेब में रखते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं करते। ये थी श्रीनगर से नासिर खान की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।